चलो ये दिखते नहीं क्या है यहाँ पर, चलो चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है एक बार देखे है, देखे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है। अच्छा ठीक ठीक आइए, नॉट द 100% एंड देन वी हैव द थिक प्लेसेस ऑफ द यार्न, ठीक है ना, एंड दे आर डिफाइंड एज द A1, A1 मींस द यार्न डायमीटर हैज बीन इंक्रीज्ड टू द 100% टू 150%, एंड द लेंथ इज इक्वल टू 1 cm, सो इट इज कॉल्ड एज द A1, क्लियर। तो वी डिफाइन A2 मींस द यार्न डायमीटर इज फ्रॉम 150% to 250%, and the length is the same. So the difference between the A1 and A2 is that the length is the same, but the diameter has been increased from the 150 to 250. Similarly, the A3, where the length is the same, 1 centimeter. And the diameter has been increased from the 250 to 400%. Similarly, the A4 thick place, है ना? So we are defining the thick places. They are called the thick places like the A1, A2, A3, A4. Similarly, the B1, where the length is equal to 2 cm, and the diameter is from 150 to 150. B2 means the diameter is 150 to 250, and B3 means the diameter is the 250 to 400%, and the length is equal to 2 cm. Similarly, it is the B4. Again, C1, C2, C3, C4. C1, the length is equal to 4 cm, diameter is the 150 to 150 meter percent, and similarly the B1, where the length is equal to 8 cm and diameter has been increased to the 100 to 150. So similarly the thick places are defined in the produced in the yarn, and we have to rectify the yarn, and we have to remove all the defect from the yarn
so that the fabric will be more perfect. If this defect will exist in the yarn, then our fabric will be same as that of the khadi fabric. जैसे आपका खादी का कपड़ा होता है, नेक थिक प्लेसेस, थिन प्लेसेस सब दिखते रहते हैं, हमारा वीविंग के अंदर उन डिफेक्ट्स को हमको रिमूव करना है, ठीक है? तो दे आर ऑल द 16 टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स, ठीक है? देन अगेन वी हैव द अदर टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स आल्सो, दे आर कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड द ई एंड दिस इज कॉल्ड द एफ and this is called the G, है ना? तो they are all the thick places. Here the E, F and G, the length has been increased 32, and so they are all the 16, 17, 18, 19. So thick places are the nineteen types. And thin places, we discussed about the thin places where the diameter has been reduced. Yeh aapka D hai, to here the yarn will be 50%. This will be D by 2 and this is called as the thin place. Okay? And there are four type of the defect. They are called as the H1, H2, I1, I2. They are called the thin places and here the diameter varies from the minus 30%, 45% and minus 75%. So gradually the diameter is decreasing, and this will be the length. H1, H2, I1, I2. So these are the thin places. That is of the four type. So all are equal to 23. So they are all the spinning defects. And all the defect we have to remove on the winding machine. And we set the आपका सेटिंग ऑन द ऑटो कोलर और द वाइंडिंग मशीन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. हमें यान चाहिए आपके एयर जेट के लिए, हमें यान चाहिए आपको आपका प्रोजेक्टाइल लूप के लिए, वाटर जेट के लिए या डिफरेंट प्रोसेस के लिए, क्योंकि एयर जेट के ऊपर हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत कम डिफेक्ट यान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपके डिफेक्ट होंगे तो यान आपका बार बार ब्रेक करेगा, तो हमारी वीविंग की एफिशिएंसी आपकी डाउन जाएगी, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारी जो इंडस्ट्री से आती है, तो सिमिलरली वी प्रोड्यूस द यार्न इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट, क्लियर? और जो यार्न होता है वाइंडिंग के अंदर, वो 1.5 केजी का एक बैग होता है और एक बैग की जो उसके अंदर 40 आपके कोन होते हैं, है ना? तो एक बैग का जो वेट होता है वो करीब आपका 60 केजी होता है. मार्केट के अंदर अगर आप यार्न लेने जाएंगे तो आपको 60 केजी का बैग आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक कोन या दो कोन नहीं देगा, है ना? और जब भी आप मार्केटिंग के अंदर मार्केट में जाएंगे तो मिनिमम आपका 1.5 केजी, वैसे हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होती है उस हिसाब से हम कोन को बनाते हैं. कभी कभी किसी इंडस्ट्री के अंदर हमको 5 केजी का जंबो कोन चाहिए, एयर जेट वगैरह इसके बड़ा कोन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज जंबो कोन. तो उसके अकॉर्डिंग हम वाइंडिंग के ऊपर बना देते हैं, ठीक है? और डिफेक्ट्स को हम, इन डिफेक्ट्स को हम मशीन के ऊपर ऑटो कोलर या वाइंडिंग मशीन के ऊपर सेट कर देते हैं और वो यार्न, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये यार्न नहीं चाहिए C3,
और आपका C2 और आपका D1 है ना, और आपका F एंड G, ये यान आपको नहीं चाहिए यान के अंदर, तो हम क्या करेंगे मशीन के ऊपर सेटिंग कर देंगे और हम आपका C ये यान, फिर हमारा C2 C3 C2 और फिर आपका D2 है ना, और फिर आपका ये, तो ये यान हमको धागे के अंदर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये यान आपके रहेंगे यान के अंदर और ये यान आपके वाइंडिंग मशीन रिमूव कर देगी स्लब कैचर वाला, तो हमारा यान जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से यान हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है वाइंडिंग का, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपको यही सेटिंग मशीनों के ऊपर करनी होती है हमारे, है ना। तो दिस इज दीज आर द फार्स ऑफ द क्लासिफाइड फार्स ऑफ द यान, ठीक है। नाउ आई कम टू द अगेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है वाइंडिंग मशीन का, है ना, जिसे रोटर कोनल आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये आपकी बॉबिन होती है जो हमको रिफरेंस से मिलती है, इसके ऊपर यान होता है हमारा 80 ग्राम से 100 ग्राम। अगर हम ये बॉबिन यूज करेंगे वार्पिंग में और लूम के ऊपर तो बार बार मशीन हमारी बंद होगी, चाहे आप शटरलेस लूम पर जाएं, चाहे आप किसी भी लूम पर जाएं, 80 ग्राम 100 ग्राम का आप यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको 1.5 केजी का कोन बनाना पड़ता है, ठीक है, और यान को स्पिनिंग डिफेक्ट को हमको रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आपका पहला पार्ट है टेंशनर, दूसरा पार्ट है जो हमारे वीक प्लेस को रिमूव करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके यान के अंदर H2 H1 I1 I2 ये हमारे क्या है वीक प्लेस है, ठीक है ना। और मैंने अभी देखा है गेट के अंदर क्वेश्चन आया है
जिसके अंदर आपका ये गेट का क्वेश्चन है, वीकेस्ट पार्ट, वीकेस्ट पार्ट दैट इज द आई टू. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आपको चार आंसर दिएंगे मल्टीपल चॉइस के अंदर, आपको आई टू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने देखा ये सबसे वीक पार्ट है यान का. तो इस तरीके से तो हम जो वीकेस्ट पार्ट है वो हम टेंशनर के द्वारा रिमूव करते हैं, और आपका जो थिक प्लेसेस है, नेप्स है, वो हम स्लब कल्चर के द्वारा, और जो वैक्स है इसलिए यूज करते हैं ताकि यान की हेरिनेस खत्म हो जाए और हम ज्यादा स्पीड ले सके. और थ्रेड स्टॉप मोशन हम यूज करते हैं कि ताकि यान ब्रेक हो जाता है तो हमको मशीन को बंद करना पड़ता है, नहीं तो पोल चलता रहेगा, यान की क्वालिटी खराब जाएगी. और इसके ऊपर ये आपका होता है ड्रम. ड्रम जो होता है बेकलाइट का बना होता है. बेकलाइट एक पॉलीमर होता है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर ग्रूव्स आपके बने हुए होते हैं, और ये कहलाता है आपका कोन. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना, वो टेंशनर्स के बारे में, कितने टाइप के टेंशनर्स होते हैं, और गेट वगैरह के अंदर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो मैं आप कराने जा रहा हूँ अबाउट द टेंशनर्स, है ना. तो एक एक करके पार्ट हम लेंगे इसके आम के, ठीक है. तो फर्स्ट आई टेक द टेंशनर्स. टेंशनर्स आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है. और पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द टेंशनर्स को यूज करेंगे. जितनी भी आपकी मशीनें हैं, वार्पिंग की, वाइंडिंग की, सब जगह पर यही टाइप के टेंशनर्स आपके यूज होते हैं, और इनका मेन काम होता है वीक प्लेस को, यान को रिमूव करना, क्योंकि टेंशन देने से जैसे ही आपका वो टेंशन लगेगा तागा आपका ब्रेक कर जाएगा. तो ये जो फॉल्ट होते हैं, तो पहला होता है आपका डेड वेट टाइप आपका. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द डेड वेट. यह आपने देखा होगा मशीनों के ऊपर एक वेट आपका लगा होता है, और उसके बीच से यान आपका पास होता है. तो उसमें आप देखें तो ये आपका यान पास हो रहा है, और ये इसके ऊपर वेट लगा होता है, और ये आपका जो होता है टी वन इनपुट टेंशन, और ये होता है आपका टी टू आउटपुट टेंशन. इनपुट टी आउट, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द यान हम अलग अलग वेट हम अप्लाई करते, ठीक है ना. अभी मैं आपको बताऊंगा कितना वेट इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ना. ये तो इसके अंदर से क्या होता है, ये यान आपका पास हो रहा है, ये यान आपका यहां से पास हो रहा है टेंशनर पर. तो ये यहां पर है आपका टी वन टी इन, और ये हो जाएगा आपका टी टू, ठीक है. और ये जो टेंशनर है ये वीक प्लेस को यही रिमूव कर देगा, और यही पार्टो पुनर नॉटर लगा हुआ है वो यान को जोड़ करके तागा बना. तो ये आपका टी इनपुट है, और कितना वेट आपको अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है आपका सिंगल यान की स्ट्रेंथ कितनी है, और आपका दो तरीके से सेटिंग होती है. जो वेट आपका तय होता है तो वेट आपका कैलकुलेट द वेट तो पहला होता है आपका फर्स्ट टाइम
सिंगल यार्न स्ट्रेंथ, सिंगल यार्न स्ट्रेंथ, सिंगल यार्न हम लैब के अंदर निकाल लेते हैं धागे का, अगर वो आ रहा आपका 40 ग्राम तो इसको हम दो से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाता है आपका 4 ग्राम। अगर सिंगल ये 40 जो है 40 ग्राम या यार्न स्ट्रेंथ 350 ग्राम किसी भी यार्न, तो आप कैसे से यार्न निकालते हैं, इसको हम 10 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 350 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा आपका 35 ग्राम। तो इतना टेंशन हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं तो n बराबर हो जाएगा आपका 35 ग्राम। तो अब सिंगल यार्न स्ट्रेंथ यही आप टेस्टिंग लैब के अंदर करते हैं, वहां सिंगल यार्न स्ट्रेंथ मशीन लगी हुई है, यार्न को रखा उसका स्ट्रेंथ आ गया और उसी हिसाब से वाइंडिंग के ऊपर आपने सेटिंग कर दी। तो अलग अलग काउंट के ऊपर अलग अलग यार्न आती है ना। और तो जैसे आप देखें तो ये जो यार्न स्ट्रेंथ है अटीरा ये अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा ये तय किए गए कितनी कितनी ये कॉटन यार्न 100% कॉटन यार्न ये होता आपका काउंट, जिसे ठीक है आपने ले लिया आपका 20 एनी, फिर आपका 30 एनी, फिर आपका 40 एनी, और फिर आपका 60 एनी, ये आपके काउंट है। अब इसकी जो सिंगल यार्न स्ट्रेंथ है वो है आपकी 350, फिर आपकी 255। जैसे जैसे यार्न का काउंट आपका बढ़ता चला जाएगा ताका पतला होता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब ये नाम्स मेरे तो रफली ले लिए हैं, आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करके आप जो कॉटन यार्न पीवी यार्न पीसी यार्न उनके आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं और वाइंडिंग मशीन के ऊपर सेटिंग आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको 10 से भाग कर देंगे और उतना वेट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ये वेट आपका कहाँ पर होगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये कहलाता आपका सिंगल यार्न। दूसरा तरीका होता है आपका ली स्ट्रेंथ द्वारा, सेकेंड मेथड है आपका ली स्ट्रेंथ। रैप रील के ऊपर आप कॉटन यार्न की ली बना लेते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आप मेजर कर लेते हैं, वो केजी के अंदर आती है। जैसे आप देखें तो जो वेट होता है हमारा ये ली स्ट्रेंथ जो केजी में होता है ये केजी में आता है और इसको दो से भाग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमारी ली स्ट्रेंथ आ रही है 40 केजी तो वेट हमारा कितना आ जाएगा
40 केजी डिवाइडेड बाय 2 बराबर 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम स्ट्रेंथ आपको यहां पर लगानी पड़ेगी और ये आपका लगा हुआ है यहां पर। ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। सिंगल यहां से भी कर सकते हैं लीस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब लीस्ट स्ट्रेंथ आपके अलग अलग काउंट के अलग अलग है, जैसे आपका अटीरा नॉर्म, ये आपका काउंट है, ये आपका 20s, 40s, 50s और 60s काउंट। अब इनकी लीस्ट स्ट्रेंथ हम, जैसे आपने लैब के अंदर निकाला होगा लीस्ट स्ट्रेंथ, 120 यार्ड की ली को हम लीस्ट स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ आती केजी में, तो जैसे आप देखें तो इसकी स्ट्रेंथ है आपकी 40, फिर आपकी आ रही है 26.8, फिर आपकी आ रही है 22.8, फिर आपकी आ रही है 16 केजी। जैसे जैसे काउंट आपका फाइन होता चला जाएगा उसकी स्ट्रेंथ आपकी कम होती चली जाएगी और उसी हिसाब से वेट हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका वाइंडिंग मशीन के ऊपर टेंशन को सेट करने। अब हम अलग अलग मशीनों के ऊपर बंद कर देते हैं।